उसकी बेटी थोड़ी ना हूँ मैं। अरे नमस्ते पापा, मैं माफी चाहूंगा तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। अरे पापा ऐसी बात नहीं है, जीवन प्लानिंग कर रहे हो क्या आप लोग? आप जैसे प्लानिंग कर रहे हैं ना, मैंने तो प्लानिंग नहीं की, आपकी मम्मा ने भी आज तक ऐसी प्लानिंग नहीं की होगी। और जहां तक मुझे ख्याल है ना, शायद मेरी बेटी ने भी बाजार खड़े होके ना ऐसी प्लानिंग नहीं की होगी। या तो अगर आप इसको यहाँ नहीं देखना चाहते हो, इसके ससुराल वाले अभी ड्रामा कर रहे हैं, तो आप अपने घर ले जाओ, राधिका को यहाँ छोड़ जाओ, सिंपल बात है। यार गुनगुन समझ नहीं आ रहा क्या करें। तुम अपनी बीवी को अच्छा, यार मैं अपनी बीवी हूँ, तुम अपने पति को भी तो समझा सकती यार, हो ना। मेरे पति की गलती है, मैं क्या समझाऊँ, मेरे से ऐट ऐट के टोंट मार रहा है, तुम उसकी बेटी थोड़ी ना हूँ मैं। अरे नमस्ते पापा, मैं माफी चाहूंगा तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। अरे पापा ऐसी बात नहीं है, जीवन प्लानिंग कर रहे हो क्या आप लोग? पापा ऐसा कुछ नहीं, हम बात कर रहे थे राधिका के टॉपिक पे बात कर। बच्चे मैं ना तेरे रिलेशन से ना बंधा हुआ हूँ, ये तो जवाब देना तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। पापा ऐसा कुछ भी, ये ऐसे ऐसे बात कौन करता है, जबकि हमने पूरे परिवार ने आपकी शादी कर दी, वो हमसे गलती हो गई, मैंने सोचा था मेरी बेटी है तू, इससे अच्छा तो मैं राहत चलते किसी बच्चे को ये सारे काम करवा देता ना, तो वो सारी जिंदगी मेरा नाम लाता, तुम्हारी तरह नहीं है। पापा आप हाइपर क्यों हो रहे हो? मैं हाइपर हो ही नहीं सकता, मैं हाइपर हो नहीं सकता। जो प्लानिंग आप कर रहे हो वही प्लानिंग मैं भी कर रहा था। राइट, आप जैसे प्लानिंग कर रहे हैं ना, मैंने तो प्लानिंग नहीं की, आपकी मम्मा ने भी आज तक ऐसी प्लानिंग नहीं की होगी। और जहां तक मुझे ख्याल है ना, शायद मेरी बेटी ने भी बाजार खड़े होके ना ऐसी प्लानिंग नहीं की होगी। आप दोनों प्लानिंग कर रहे हैं हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है पापा, आप गलत समझ रहे हो। अच्छा आप मुझे बताओ कैसे? मैं इससे यही बात कर रहा था कि तुम अपने पति से बात करो, तुम अपने घर जाओ। वो नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? जाएगी, वही तो डिस्कशन चल रहा है। और क्या चल रहा है? को जिस घर में भर पेट खाना मिलता है ना, वो दूसरे घर की तरफ नहीं देखता है। अब तो शायद नहीं मालूम होगा। अब टॉपिक को आप अलग ही ले जा रहे हो। हाँ हम लोग हमेशा गलत थे पापा। ये नहीं बोल रहे कि आप गलत हो पापा, आप क्यों? आपको गलत कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है कि आप गलत हो। नहीं कर रहे थे पापा, हम बात कर रहे थे एज ए फ्रेंड। हम ऐसे हाथ रख देता अब इतने में राधिका किलर जाती है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? बात बोलूं बेटा। पापा आप खुद बताओ, आपको भी पता है मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, मैं ऐसी बात कर रही हूँ, नॉर्मल है ये। यहाँ इस घर में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा पापा, आप सारी चीजों को ओवर लेके जा रहे हो। अच्छा मैं ओवर लेके जा रहा हूं? हम ओवर नहीं कर रहे पापा। अच्छा इसकी मम्मा ने मुझे फोन किया 4-5 दिन पहले कि तुम आओ, मैंने बात करनी है, क्या वो भी ओवर लेके जा रहे हैं? तो मम्मी ने आपसे यही बात किया ना, आप भी तो अगर एक फादर हो, एक पिता हो, तो आप भी सोचो ना कि आपकी बेटी आपके घर जाके बैठी हुई है, उसको रहना चाहिए ससुराल में, यहाँ पे रहना चाहिए था। कैसे रहेगी समर, कैसे रहेगी, ऐसे रहेगी यार? ये भी तो मेरी बेटी है, इसको भी तो मैंने ससुराल भेजा था, ये क्यों नहीं वहां जाके सेटल हुई? नहीं होगी ना, क्योंकि आपने सोच रखा है। आपने यदि सोच नहीं रखा होता तो ये सब दिन नहीं देखने पड़ते हमें। पापा तो मैं घर जाके क्या करूँ, मेरे को एक बात बताओ, वो सब मेरे को उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं, मैं वहाँ घर जाऊँ? यदि किसी ने तुझे कुछ उंगली भी लगाई है ना तो मुझे बोल तू, तेरा बाप भी जिंदा है। मुझको तुमने बहुत उल्टा सीधा बोला है, मैं इसलिए घर नहीं जा रही। और यहाँ रह के ना बेटा तू और गलतियाँ पैदा करवा रही है, और कन्फ्यूजन पैदा करवा रही है। पापा मैं सुन नहीं सकती किसी की, मैं सुनने की सुन सकती हूँ, अपनी मम्मी की सुन सकती हूँ, बस रुक की। यदि तू मुझे अपना बाप मानती है ना, मानती है कि नहीं मानती? मानती। उस टाइम मुझे फोन क्यों नहीं किया तुमने? किस टाइम? कि जब ध्रुव ने तुझे उंगली की टच किया या कुछ बेवक। तो पापा अब मैं बता रही ना आपको, आप उसको सुनाओ, आप उससे क्लियर करो सारी बातें। मम्मा के सामने इतना उल्टा सीधा बोला, मैंने मम्मा से बोला मम्मा मेरी वजह से आपको इनके हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है, बट मैं इनके घर नहीं जाऊंगी, जाना होगा मैं अपने घर चली जाऊंगी, बट यहाँ पे नहीं जाऊंगी। इतना कुछ तमाशा हो गया, इतना कुछ हमने कर दिया, आज तुम अपने घर चली जाना, उस टाइम क्यों नहीं गई जब हम लोग ये सब कर रहे थे? पापा उस टाइम की बात है, मैं घर कहां था? नहीं आना चाहती पापा, तो और मैं कहां जाऊं आप खुद बताओ, कहां जाऊं मैं? पापा बात तो चली रही है ना, इसके ससुराल वाले से भी हम लोग बात ही कर रहे हैं कि इसको ले जाए यहां से। मेरे को आपने या इसने आपने फोन किया? वैसे तो हर काम में पापा जी करते हो। पापा हमको लगा था आप आओ जाओगे, हम बैठ के बात कर लेंगे। क्या बात कर लेंगे, क्या बात कर लेंगे? सारी बात हटाते हैं, आप राधिका को लियो यहाँ पे, ये चली जाएगी। एक बात बोलूं,
या अगर नहीं भी इसका इसके ससुराल वाले को मनाना पड़े, जो करना पड़े, हम मैं इसकी जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ, आप इसको घर अपने ले जाओ और राधिका को यहाँ छोड़ जाओ, खत्म बात। मैंने कभी इसको मना किया? तो यही कर लेते नहीं, मैंने कभी बच्चे को मना किया है? नहीं पापा, मना करने की बात है, बट समर भी तो ठीक बोल रही है, कर लेते हैं। जब आप चाहते हो कि मैं अपने भी घर ना जाऊँ, तो आप मुझे अपने घर लेके चलो राधिका को। एक छोटी सी बात, तू चल अभी मेरे साथ, राधिका आए इधर के नहीं आए, राइट? पर सारी जिंदगी ऐसी चलेगी क्या बेटा? तो नहीं, ये तो नहीं चलेगी। तेरी जिंदगी ऐसी चलेगी क्या? मैंने तुझे अपनी बेटी माना है। मेरी लाइफ को छोड़ो, पहले समर की लाइफ को तो देखो। मेरा तो हो जाएगा। मेरी बेटी की लाइफ तो सेटल नहीं है। कोई नहीं पापा, मेरी बेटी की लाइफ तो सेटल नहीं है। एक बेटी की वजह से दूसरी बेटी भी सफर कर रही है। तुम बात करते हो कि समर की लाइफ देखो, तू बताना बेटा। देखो, दोनों फैसला आपके हाथ है। मुझे जो बोलना था मैंने आपको बोल दिया है। या तो अगर आप इसको यहाँ नहीं देखना चाहते हो, इसके ससुराल वाले अभी ड्रामा कर रहे हैं, तो आप अपने घर ले जाओ, राधिका को यहाँ छोड़ जाओ, सिंपल बात है। या तो इसके घर वालों से बात करके इसको अपने ससुराल में शिफ्ट करवा दो, खत्म बात है। अगर आप बोल रहे हो ना कि ये भी बेटी है, तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना, कुछ तो करो ना इसके लिए। ये जो अपने घर से हमने इसके पति को बुला के बात किया, तो इसकी सास को बुला के बात किया, लेकिन कोई समाधान निकल ही नहीं रहा है। ऊपर से लड़े जा रहे हैं वो। आपने मुझे बुलाया? आपने मुझे बुलाया एक बार ही भी? समर, आज तू ये बात कर रहा है बेटा कि तुम अपनी बेटी समझते हो, मेरी बेटी नहीं है क्या ये? तो आप बात कर लो ना, ये जैसे राजी हो वैसे आप कर लो, मैं भी इससे हट ही जाता हूँ। आप बात कर लो, फैसला आप करो। गुनगुन, क्या क्या चाहती है बेटा? पापा जी देखो, मैं घर जाने के लिए रेडी हूँ। देखो आपको मैं बता दूँ, ठीक है? मैं घर जाने के लिए रेडी हूँ, बट पापा आपको पता है धूप इतने गंदे तरीके से मेरे से बात कर रहा है, इतने उल्टे बिहेव से। पापा मैं कब तक सुन लूँगी? चलो मम्मी का हक बनता है, मम्मी मेरे को बोल सकती है मैंने गलती कर दी, कोई नहीं। पापा उसको तुम हजार बार बोलोगे, पापा ये तो ठीक नहीं है ना। मैं हजार एक बात बार बोलोगे, हजार बार मेरे को टोंट मारोगे, तो पापा मैं ऐसे नहीं सुन सकती, मैं ऐसे नहीं रह सकती बिल्कुल। मैं एक बात बोलूं तेरे को, ऊपर से मैं जाने के लिए भी रेडी हूँ पापा। मैं अपना बैग वैग सब कुछ लेके भी रेडी थी, बट तो पापा मैं कैसे सहन करूँ, आप खुद बताओ। अब मैं एक बात बोलूं तेरे को, तू मेरी बेटी है कि नहीं है? मुझे बार बार ये बात बोलनी पड़ती है, मुझे खुद शर्म आने लग गई है। तुझे यदि सुखी नहीं रख पाऊं तो मैं बाप कैसा? तो पापा मेरे ससुराल वालों से बात करो, स्टॉपिंग में मैं इनके टोन नहीं सुनूंगी पापा। पहले बात सुनने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तेरे को इसलिए नहीं वहाँ भेजा। तो पापा इसलिए नहीं चाह रही, इसलिए सबको मेरी गलती लग रही है। मेरी गलती कहाँ है आप बताओ? बच्चे इतनी सी गलती थी, तूने उसको खींच के इतना लंबा कर दिया। ये नहीं करा पापा, जिन्होंने कैच की करा उन्होंने करा, मैंने तो अपनी गलती भी मानी एंड में। पर बाप को नहीं याद किया? तेरी सिस्टर राधिका अपने घर चली गई, तेरे मन में कुछ नहीं, तू यही शुरू से कहती है, राइट? पर वो बच्चा तो अपने घर बैठा ना बेटा, फिर क्यों है? जब तू कहती है कि पापा मैं नहीं सुनूंगी, मैं आपकी बेटी हूँ, तो मैं भी तैयार हूँ, तू नहीं सुनेगी उस घर का, पर यदि बेटा तेरी गलती है तो सुनना भी पड़ेगा। तो पापा एक बार सुन लेते, दो बार सुन लेते, हाँ, फाइनल हो गया। अब हर बार तुम मेरे को टोंट मारे जा रहे हो, समर को बीच में लेकर आए जा रहे हो, ये तो गलत बात है। एक काम कर, जाने के लिए भी रेडी। कोई बात नहीं, एक काम कर, तू अपने ध्रुव को फोन लगा, जब तेरा दिल करे मुझे बुला, उससे बैठ के बात करेंगे। ठीक है बाप, बैठ के क्लियर बात कर लेंगे, आप खुद देख लेना। मेरे लिए तुम दोनों सेम बेटियां हो। बस चल, मैं चल रहा हूँ, तो उसको फ़ोन करके मुझे बुला जैसे। ठीक है बेटा, बाय बाय। हाँ, टेक केयर, बाय।